हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूं। और इस वीडियो को अगर आपने ठीक से देख लिया तो यकीन कीजिए कि आप भी वी लुकअप और स्विच के दीवाने हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में खास क्या है। जरा इस डेटा को देखिए, ये शीट नंबर 1 का डेटा है और यही डेटा आपको शीट नंबर 2 पे मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस भी होंगे। अब इसमें प्रोडक्ट आईडी दी गई है C01, C02, C03, C04, C05 और ऐसे और भी नीचे नाम आ सकते हैं। और प्रोडक्ट नेम में देख सकते हैं मैंने हिंदी में लिखा है। अब हिंदी में कैसे लिखा है, तो एक्सेल इनपुट टूल या गूगल इनपुट टूल का यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चोटी वाला सरसों तेल है, फॉर्च्यून बेसन है, किंग रिफाइंड ऑयल है, ठीक है, हेडफोन है, लाल मिर्ची पाउडर है, धनिया है, देशी घी है, सरसों का तेल है। और इनका टोटल भी किया गया और इसे एक टेबल फॉर्मेट बनाया गया। अब ये टेबल फॉर्मेट कैसे बनाया गया, अगर ये टेबल फॉर्मेट में नहीं होता तो आप कैसे करते, तो आप इसे सेलेक्ट करते, इस डेटा को इस डेटा पे कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल ए करते और आपको क्या करना होता, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करना होता। कंट्रोल के साथ टी प्रेस करने पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जैसे ही वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो ये टेबल फॉर्मेट आ जाएगा ओके करने पे, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने शीट नंबर 1 को टेबल फॉर्मेट में बनाया है, शीट नंबर 2 को टेबल फॉर्मेट में बनाया है, शीट नंबर 3 को टेबल फॉर्मेट में बनाया है और शीट नंबर 4 को भी टेबल फॉर्मेट में बनाया है, ठीक है। इसके अलावा ये हेडिंग जो है देख सकते हैं, ये हेडिंग जो है हमने कॉपी करी है और कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। यही सेम हेडिंग है। आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो आपको प्रोडक्ट आईडी दिख रही है यही आपको सेकंड वाले में भी मिलेगी, यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट आईडी सेम मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी चेंज है, यानी डेटा में कुछ ना कुछ चेंजेस तो हैं। ऐसा नहीं है कि डेटा एकदम से सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा में चेंजेस हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्च्यून बेसन लिखा है तो ये आप यही दीजिए, इसके अलावा भी आप कुछ दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ और जो है प्रोडक्ट्स के नेम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी अलग है। जैसे आप यहाँ पर आते हैं शीट नंबर 1 पे तो देखिए यहाँ पे 4 आपको दिखाई पड़ता है सबसे ऊपर चोटी वाला सरसों तेल में। अगर शीट नंबर 2 पे आते हैं तो यही 4 क्वांटिटी जो है बन जाती है 7, ठीक है। अगर शीट नंबर 3 पे आते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी 4 है और शीट नंबर 4 पे आते हैं तो यहाँ पे फिर बन जाती है ये 7। तो देख सकते हैं इस तरीके से इसमें चेंजेस किए गए हैं। और यहाँ पर आपके पास ये जो है, ये आपके पास हेडिंग जो है ये होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी चाहिए। तो प्रोडक्ट आईडी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक रखेंगे, कैसे इंसर्ट कराएंगे, मैंने ऑलरेडी इंसर्ट कराया, देखिए कैसे इंसर्ट कराएंगे। इस पर क्लिक रखेंगे, डेटा टैब पे जाएंगे और यहाँ से आपको मिलता है डेटा वैलिडेशन, क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाकर के आपको क्या करना है, लिस्ट चूज करना है। यहाँ देखिए ये लिस्ट आपको चूज करना है यहाँ से जाके, और ये कोई भी एक लिस्ट आप जो है इस पे ड्रैग करें, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो सेल रेंज आ जाएगी और यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। तो लिस्ट तो प्रोडक्ट आईडी तो सेम ही है, तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे C01, C02 और अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट आईडीज आपको दिखाई पड़ेंगी। अब क्या करना है, अब यहाँ पर मैंने लिखा है शीट नेम, आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट नेम लिखा हुआ है, ठीक है। इसे मैं एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी करता हूँ और यहाँ लिखा हुआ है शीट 1। अब यहां पर भी ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो ये ड्रॉप डाउन कैसे आया, ये ड्रॉप डाउन आपको बता देता हूं कि कैसे आया, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इस पर क्लिक रखिए और कहां चले जाइए, डेटा टैब पे चले जाइए। डेटा टैब पे जाने के बाद यहां पे डेटा वैलिडेशन, जैसे ही डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे तो इसे लिस्ट बनाइएगा। और देखिए मान लीजिए यहां पे कुछ भी नहीं है, आपने लिस्ट बना दिया, तो देखिए यहां पर आपको इसका नेम मिलेगा शीट 1, देखिए। तो यहां पे आप क्या टाइप करिएगा, शीट 1 जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही, कैपिटल और स्मॉल का भी बिल्कुल ध्यान देना है। ये हो गया शीट 2, फिर कॉमा दीजिए शीट 3, ये हो गया शीट 3, कॉमा दीजिए शीट 4, तो ये हो गया शीट 4, ठीक है। इस तरीके से लिख करके और यहां से ओके कर दीजिएगा। ओके जब करिएगा तो यहाँ पे शीट 1 आ गया है, देख सकते हैं, ठीक है ना। आपको इस तरीके से ये भी बना लेना है और बना लेने के बाद यहां पर आइएगा तो यहां पर आप यूज कीजिए वी लुकअप। काफी इंटरेस्टिंग है, पुराना ही है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। तो इस इक्वल टू का निशान लगाया, वी लुकअप, तो ये लगा दिया वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के बाद हमें लुकअप क्या करना है, तो हमें इसी को लुकअप करना है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, F4 दबा के फ्रिज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद चूंकि हमारा डेटा शीट 1 पे है, न सिर्फ शीट 1 पे है बल्कि शीट 2, शीट 3, शीट 4 पे भी है,
तो अलग अलग शीट को कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो आपको यहां पे क्या करना है, स्विच फंक्शन लगाना है। तो ये स्विच फंक्शन लगा दिया हमने, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब जो शीट वन का डेटा है वो हमें चाहिए, कैसे मिलेगा? तो मिलने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहां पर शीट वन है, तो यहां पे हम डबल कोर्स में क्या लिखेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये शीट वन सेलेक्ट कर लिया, कॉमा देंगे, और कॉमा दे करके हमारा डेटा डबल कॉमा में कहां पे है, शीट वन में है। तो यहां पर लिख देंगे शीट वन, ये लिख दिया शीट वन, देखिए किस तरीके से लिख रहा हूं, कॉमा लगाइएगा, और यहां पर चूंकि शीट वन का नाम क्या है वो देखना पड़ेगा। तो यहां पर आइए, और पहले तो मैं इसे हटाता हूं, अभी अभी हम इस फंक्शन को यूज नहीं करेंगे, पहले देख लेते हैं शीट वन का नाम क्या है। तो ये आ जाते हैं शीट वन पे, और यहां पर जब आएंगे तो देखिए शीट वन, अब ये आ जाएगा टेबल डिजाइन, और जाइएगा तो ये देखिए टेबल वन नाम है, ठीक है। इसी तरीके से शीट टू का क्या नाम है, तो टेबल टू नाम है, शीट थ्री का क्या नाम है, टेबल थ्री नाम है, शीट फोर का क्या नाम है, टेबल फोर नाम है। यहां पर देखिए ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए यहां पर जाएंगे तो देखिए टेबल फोर नाम है। तो ये हमें जो है नेम जो है यहां पर लेके आना है, तो वापिस वही वीलुकअप लगाता हूं जो लगाया था अभी हमने, इसको सेलेक्ट करता हूं, F4 दबा के फ्रीज करेंगे, रो और कॉलम दोनों को कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा करके यहां पे लगा देंगे स्विच, लगा दिया, इसको सेलेक्ट करिएगा, कॉमा लगाइएगा, और क्या करना है, और यहां पर डबल डॉट कॉमा के अंदर क्या लिखना है, डबल डॉट कॉमा के अंदर लिखना है शीट वन, क्या लिखना है शीट वन, ये हो गया शीट वन, डबल डॉट कॉमा क्लोज किया, कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद यहां पर शीट वन का नाम है टेबल वन, तो बिना डबल डॉट कॉमा या सिंगल डॉट कॉमा के यहां लिख दीजिएगा टेबल वन, ये टेबल वन आ जाएगा, ठीक है। कॉमा लगा दीजिएगा, फिर यहां डबल डॉट कॉमा ओपन कीजिएगा, यहां लिखिएगा शीट टू, लिख दिया, फिर डबल डॉट कॉमा क्लोज कीजिएगा, और शीट टू हो तो क्या आ जाए, टेबल टू आ जाए, तो यहां पर लिख दीजिएगा टेबल टू। तो देखिए यहां आ भी रहा है टेबल टू, जैसे TABL टेबल टाइप करेंगे तो टेबल वन टू थ्री फोर सब आ जाएगा, तो ये टेबल टू हो गया। फिर कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, यहां पर डबल डॉट कॉमा में लिखिएगा शीट थ्री, ठीक है, तो ये हो गया शीट थ्री, और डबल डॉट कॉमा को क्लोज करके कॉमा लगाइएगा, और यहां पे क्या कर दीजिएगा, यहां पे कर दीजिएगा टेबल फोर, ठीक है, तो ये सॉरी टेबल थ्री, तो ये टेबल थ्री कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि इसे सिंगल डॉटेड कॉमा या डबल डॉट कॉमा में नहीं रखना है, फिर कॉमा लगाइएगा, फिर डबल डॉट कॉमा ओपन कीजिएगा, फिर यहां लिखिएगा शीट फोर, ठीक है, और डबल डॉट कॉमा को क्लोज करके यहां पे क्या आ जाएगा टेबल फोर, तो यहां लिखिएगा टेबल, और ये देखिए आ रहा है फोर, तो ये हो गया टेबल फोर, और टेबल फोर लिखने के बाद इसे बंद करिएगा ब्रैकेट को, और कॉमा लगा दीजिएगा। और चूंकि हमारा डेटा, जैसे देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट हम सर्च करने वाले हैं, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट कौन से कॉलम में है, तो ये देखिए ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो यहां पर हम कॉलम नंबर दो को सर्च करना चाहते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहां जीरो देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, और बंद करेंगे इस ब्रैकेट को, और अब होने वाला है मैजिक, क्योंकि हम प्रेस करने वाले हैं एंटर। तो तैयार हैं, चलिए प्रेस करते हैं एंटर। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो C05, देखिए जरा लाल मिर्ची पाउडर ही है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां से इसे ड्रैग करवा देंगे, लेकिन ये क्या, यहां पर तो NA आ गया, तो NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, यानी डेटा हमें फाइंड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां है तो एक काम और रह गया है जो कि छूट गया था, यहां पर ये जो स्विच का M2 जो सेल एड्रेस है इसको भी हम करेंगे लॉक, F4 करके इसे भी लॉक कर देंगे, यानी रो और कॉलम दोनों फिक्स। अब क्या करना है, अब एंटर करिए, अब इसको वापिस से ड्रैग कराइए, और देखिए कमाल, ये देखिए, देखा आपने, यहां पर सब जगह लाल मिर्ची पाउडर आ रहा है, तो ये क्या कमाल हुआ भाई, यहां पर लाल मिर्ची पाउडर तो आना नहीं चाहिए। तो देखिए वही जो है हमने जो चेंज किया था फिर वही वापस अप्लाई हो गया है। तो यानी कि यहां पे आपको करना क्या है, यहां पे थ्री कर देना है, वापिस से जाइए और यहां थ्री कर दीजिए, थ्री करने पे आ गया ये, और यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे फोर करना है, तो यहां पे कर दीजिए फोर, ये हो गया फोर, एंटर कर दिया, और यहां पे क्या करिए, यहां पे कर दीजिए फाइव, ठीक है, तो ये हो गया फाइव, फाइव हो गया, एंटर किया, तो आप देखेंगे कि यहां पर सब कुछ आ चुका है, देख सकते हैं ना। अब देखिएगा कमाल, यहां पे अगर मैं चेंज करता हूं, यहां से जाता हूं C2 कर देता हूं, तो C2 देखिए किसका है, फॉर्चून बेसन, और यहां प्राइस 230 रुपए, 6 क्वांटिटी है, और 1380 टोटल। और हम कौन से शीट को ले रहे हैं ये भी मायने रखता है, ठीक है। तो अब देखिए शीट वन है ये, तो शीट वन पे जाएंगे, तो शीट वन पे देखिए कितना है, 1380 ही है ना, देखिए यहां पर मैं हाईलाइट करता हूं इसे, 1380 ही है कि नहीं। और देखिए अगर मैं चेंज करता हूं, यहां पर आता हूं वापिस से, देखिएगा शीट फोर पर, और अगर मैं शीट चेंज कर देता हूं, जैसे यहां पे गए हम और शीट को चेंज कर दिया, थ्री कर दिया, तो शीट थ्री पर कितना है वो देखना पड़ेगा। तो शीट थ्री देखिए 1380 ही दिखा रहा है, तो एक बार चेक करते हैं,
तो यहाँ पे देखिए 1380 ही है, सीट 3 पे भी कितना है 1380 है, लेकिन अगर मैं सीट 4 कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे चेंज करता हूँ, इस बार सीट 1 कर देते हैं, तो सीट 1 पे कितना है, तो सीट 1 पे भी 1380 है, देखना पड़ेगा सीट 1 पे 1380 है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये तो है ही है, ये तो मैंने दिखाया ही था पहले। सीट 3 पे चलते हैं, सीट 4 पे चलते हैं, तो सीट 4 पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए ये है सीट 4 और यहाँ पे क्या है 1840 रुपए है। तो देखिए यहां पर अगर मैं चेंज करता हूं तो क्या यहां पर भी चेंज हो रहा है, सीट 4 किया हमने, देखिए यहां पर भी 1840 हो गया, ठीक है। तो है ना ये कमाल का, उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं और सर्टिफिकेट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।